हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाएं या कैसे पूछें, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो दोस्तों आइए, अगर आपको कैसे क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप क्वेश्चन बनाने में एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरु जी। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग आज सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। वन बाय वन हम इसे देखेंगे क्या से क्वेश्चन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या से, मतलब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैज हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में रहेगा सेंसर फॉर। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर रहेगा हैड प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में सेंसर फॉर। और लास्ट में मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर क्या से क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में सेंसर फॉर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियोस में जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल में बात की है, तो उसमें हैज हैव किसके साथ लगता है डिटेल में बताया गया है, हैड किसके साथ लगता है डिटेल में बताया गया है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन किसके साथ लगता है डिटेल में बताया गया है, और साथ ही साथ सिंस और फॉर किसके साथ लगता है यह भी डिटेल में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा यह करेंगे कि क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, रही, रहे, आकर है, हो आए और से आए, जो टाइम को बताए और वो टाइम सिंस और फॉर में काउंट किया जाता है। जैसे मैं दो दिन से गाना गा रहा हूं, वो चार दिन से मुझे परेशान कर रहा है, मम्मी सुबह से खाना पका रही है, टीचर दो घंटे से पढ़ा रहा है, वो 15 मिनट से सेंटेंस बना रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। लेकिन हमें यहां पर बनाना है क्या से क्वेश्चन। क्या मैं दो दिन से गाना गा रहा हूं, क्या वह चार महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, क्या मम्मी सुबह से खाना पका रही है, क्या तुम दो दिनों से तुम्हारा मोबाइल सर्च कर रहे हो या ढूंढ रहे हो, क्या इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है, क्या तुम मुझे दो दिनों से बेवकूफ बना रहे हो, क्या वह दोपहर से फूल तोड़ रहा है। अगर इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, जैसे क्या राम सुबह से गाना गा रहा है, क्या राम, सो हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या वे दो दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, क्या वे, सो हैव दे बीन बिफूलिंग मी फॉर टूडेज। दोस्तों हैज और हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हैज, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हैव। जैसे क्या वे दो दिन से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, सो हैव दे बीन बिफूलिंग मी, हैव दे बीन बिफूलिंग मी फॉर टूडेज। क्या मम्मी सुबह से खाना पका रही है, क्या मम्मी, हैज मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वे 15 मिनट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वे, सो हैव दे बीन आस्किंग क्वेश्चन फॉर 15 मिनट्स, क्या टीचर दो घंटों से पढ़ा रहा है, सो हैज, क्योंकि टीचर है सिंगुलर, हैज टीचर बीन टीचिंग दो घंटों से फॉर 2 आवर्स, क्या तुम्हारे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे हैं, हैज योर फादर बीन अर्निंग मनी फॉर 30 ईयर्स, क्या वे सुबह से गाना गा रहा है, क्या वह, सो हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या ऋतिक रोशन 10 मिनट से स्टेज पर डांस कर रहा है, सो हैज ऋतिक रोशन बीन डांसिंग ऑन द स्टेज 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, सो हैज ऋतिक रोशन बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 10 मिनट्स, क्या वे दोपहर से फूल तोड़ रहे हैं, क्या वे, सो हैव दे बीन plucking flower dopahar se since afternoon, so have they been plucking flower since afternoon, kya mohan 15 minute se letter likh raha hai, so has mohan been writing a letter for 15 minutes, kya ve 15 minute se message bhej rahe hain, so have they been sending message for 15 minutes, kya hum 2 घंटे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम, सो हैव वी बीन, वी प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हैव लगा है ना, सो हैव वी बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, क्या तुम्हारे पापा आधे घंटे से तुम्हें पीट रहे हैं, क्या तुम्हारे पापा, सो हैज योर फादर बीन बीटिंग यू आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, सो हैज योर फादर बीन
बीटिंग यू फॉर हाफ एन आवर. क्या राधा शाम से खाना बना रही है? सो हैज राधा बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग. क्या वे दो दिन से मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या वे सो हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी? हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी दो दिन से, फॉर टूडेज. क्या मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही है? सो हैज मदर बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग? हैज मदर बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग. क्या वे दो दिनों से मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं? क्या वे सो हैव दे बीन फॉरवर्डिंग मैसेज फॉर टू डेज. क्या राम 15 मिनट से टॉपिक प्रिपेयर कर रहा है? क्या राम सो हैज राम बीन प्रिपेयरिंग टॉपिक फॉर 15 मिनट्स. क्या वे क्या हम दो दिनों से झूठ बोल रहे हैं? क्या हम सो हैव वी बीन टेलिंग अ लाई फॉर टू डेज. क्या वे क्या राम दोपहर से टीवी देख रहा है? क्या राम हैज राम बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून. क्या तुम्हारी बहन दोपहर से मैसेज भेज रही है? सो हैज योर सिस्टर बीन सेंडिंग मैसेज सिंस आफ्टरनून. क्या राजीव सर 4 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? सो हैज राजीव सर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स 4 घंटों से. क्या वह सुबह से फैन रिपेयर कर रहा है? क्या वह सो हैज ही बीन रिपेयरिंग फैन सुबह से सिंस मॉर्निंग. सो हैज ही बीन रिपेयरिंग फैन सिंस मॉर्निंग. क्या वे आधे घंटे से सेंटेंस बना रहे हैं? सो हैव दे बीन मेकिंग सेंटेंस फॉर हाफ एन आवर. क्या मोहन 15 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा है? सो हैज मोहन बीन नॉकिंग द डोर फॉर 15 मिनट्स. क्या वे सुबह से न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं? सो हैव दे बीन रीडिंग न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग. क्या तुम्हारे पापा 4 साल से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो हैज योर फादर बीन इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस 4 सालों से फॉर 4 ईयर्स. सो हैज योर फादर बीन इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस फॉर 4 ईयर्स. दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस क्या हमें बनाना चाहें तो पहले हम यह समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है. इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा रही रहे आकर थाती थे आए और सेव अडाए जो टाइम को बताए और टाइम सिंस और फॉर में काउंट किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल वो दो दिन से मेरा इंतजार कर रहा था, मैं 4 दिन से उसे परेशान कर रहा था, मम्मी सुबह से खाना पका रही थी, मेरे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे थे, विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, रोहित शर्मा 1 साल से रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, वो इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा था, टीचर 4 घंटों से पढ़ा रहा था, वे 15 मिनट से मेरा इंतजार कर रहे थे. लेकिन अगर हमें क्या से क्वेश्चन पूछना है तो क्या से क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे. क्या मैं 2 दिन से गाना गा रहा था? क्या आप 4 महीनों से मेरा इंतजार कर रहे थे? क्या वे 2 महीने से इंटरव्यू फेस कर रहे थे? क्या तुम्हारे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे थे? क्या राम रावण को 15 मिनट से मारने की कोशिश कर रहा था? क्या रावण 2 घंटे से सीता को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था? क्या राजीव सर 4 घंटे से बेच ले रहे थे? क्या तुम 2 साल से पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे थे? क्या से अब देखिए दोस्तों पास्ट की बात कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगने वाला है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सोचना नहीं है, हेड लगाना है कैसे क्वेश्चन बनाने में. क्या मैं सुबह से गाना गा रहा था? सो हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. क्या तुम्हारे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे थे? सो हैड योर फादर बीन अर्निंग मनी फॉर 30 ईयर्स. सो हैड योर फादर बीन अर्निंग मनी फॉर 30 ईयर्स. क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वे सो हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. क्या राधा दोपहर से टीवी देख रही थी? क्या राधा सो हैड राधा बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून. क्या वे 15 मिनट से क्वेश्चन पूछ रहे थे? सो हैड दे बीन आस्किंग क्वेश्चन फॉर 15 मिनट्स. क्या मम्मी 15 मिनट से चाय बना रही थी? सो हैड मदर बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स. क्या वे 2 साल से पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे थे?
So had they been developing personality for 2 years? क्या राम 2 महीने से नॉलेज बढ़ा रहा था? So had Ram been बढ़ाना increase, ing लगेगा increasing. Had Ram been increasing knowledge 2 महीने से for 2 months? क्या वे सुबह से भगवान की पूजा कर रहे थे? So had they been worshipping the God since morning? क्या राम 2 महीने से मुझे बेवकूफ बना रहा था? So had Ram been befooling me for 2 months? क्या वह दोपहर से लेटर लिख रहा था? क्या वह? So had he been writing a letter since afternoon? क्या वे 15 मिनट से सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे थे? क्या वे? So had they been translating sentence for 15 minutes? क्या मोहन 10 मिनट से दरवाजा नॉक कर रहा था? So had Mohan been knocking the door since afternoon? क्या अंकित 2 सालों से पॉलिटिक्स के लिए इंतजार कर रहा था? पॉलिटिक्स के लिए 2 साल से इंतजार कर रहा था. तो हैड अंकित बीन वेटिंग इन द पॉलिटिक्स फॉर 2 ईयर्स? पॉलिटिक्स में 2 साल से इंतजार कर रहा था. हैड अंकित बीन वेटिंग इन द पॉलिटिक्स फॉर 2 ईयर्स? क्या टीचर 4 घंटों से लेक्चर ले रहा था? सो हैड टीचर बीन टेकिंग लेक्चर फॉर 4 आवर्स? सो हैड टीचर बीन टेकिंग लेक्चर फॉर 4 आवर्स? क्या मैं 2 साल से पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा था? सो हैड आई बीन डेवलपिंग पर्सनैलिटी फॉर 2 ईयर्स? क्या वे 4 महीने से इंटरव्यू फेस कर रहे थे? तो क्या वे? सो हैड दे बीन फेसिंग इंटरव्यू 4 महीने से, फोर मंथ्स? क्या मोहन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा था? सो हैड मोहन बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स? क्या टीचर आधे घंटे से क्वेश्चन पूछ रहा था? सो हैड टीचर बीन आस्किंग क्वेश्चंस फॉर 15 मिनट्स? क्या वे 2 साल से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे? क्या वे? सो हैड दे बीन इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस फॉर 2 ईयर्स? क्या हम 1 महीने से YouTube पर वीडियोस बना रहे थे? सो हैड वी बीन मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube फॉर 1 मंथ? सो हैड वी बीन मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube फॉर 1 मंथ? क्या वे 15 मिनट से मुझे इग्नोर कर रहे थे? सो हैड दे बीन इग्नोरिंग मी फॉर 15 मिनट्स? क्या राम दोपहर से लेटर टाइप कर रहा था? सो हैड राम बीन टाइपिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून? क्या वे 2 दिनों से वर्ब याद कर रहे थे? क्या वे? सो हैड दे बीन मेमोराइजिंग वर्ब्स फॉर 2 डेज? दोस्तों इसी तरह अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर होगा विल शैल, सब्जेक्ट हैज मतलब हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस और फॉर। पहले ये जान ले हम लोग को कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअल होता क्या है। रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होगी, होंगे, आए, से आए, जो टाइम को बताए, जो सिंस और फॉर को बताता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, वह 4 महीनों से यहां आ रहा होगा, वह 2 दिन से फैन रिपेयर कर रहा होगा, मम्मी सुबह से खाना पका रही होगी, मैं 15 मिनट से दरवाजा नॉक कर रहा होगा, वे 2 घंटों से पानी भर रहे होंगे, जैसे तुम्हारा भाई 2 महीने से जॉब सर्च कर रहा होगा, मैं पिछले दो महीनों से टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहा होगा, वे वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही होगी, तुम्हारे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे होंगे, विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वह 15 मिनट से मुझे इग्नोर कर रहा होगा। दोस्तों लेकिन इसमें हम लोगों को क्या से क्वेश्चन बनाने, तो क्या से, क्या विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या तुम्हारे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे होंगे, क्या मैं सुबह से गाना गा रहा होगा, क्या राम दोपहर से डांस कर रहा होगा, क्या स्टूडेंट्स 15 मिनट से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, क्या से बनाना है दोस्तों। तो यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। अब विल और शैल कहां यूज होता है हमको पता है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो शैल है ये तभी यूज होगा जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी, और इसको छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम लोग विल यूज करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, आई और वी को छोड़कर। ठीक, क्या मैं 2 दिन से गाना गा रहा होगा, क्या मैं, सो शैल आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 डेज। क्या राम सुबह से भगवान की पूजा कर रहा होगा, क्या राम, सो विल
राम हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग. क्या वे चार महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे? क्या वे? सो विल दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months. क्या हम सुबह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे? क्या हम? सो विल वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग बर्थडे सुबह से सिंस मॉर्निंग. क्या उसके पापा 30 साल से पैसा कमा रहे होंगे? क्या उसके पापा? सो विल हिज फादर हैव बीन, विल हिज फादर हैव बीन अर्निंग मनी फॉर 30 ईयर्स. क्या राम दोपहर से टीवी देख रहा होगा? क्या राम? सो विल राम हैव बीन वॉचिंग टीवी दोपहर से सिंस आफ्टरनून. क्या राधा शाम से लेटर लिख रही होगी? सो विल राधा हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग. क्या वे 2 साल से बिजनेस कर रहे होंगे? क्या वे? सो विल दे हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर 2 ईयर्स. क्या राम सुबह से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा? क्या राम? सो विल राम हैव बीन इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर मार्केट सिंस मॉर्निंग. क्या माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा? क्या माली? माली मतलब गार्डनर. सो विल गार्डनर हैव बीन प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन सिंस मॉर्निंग. क्या वे दोपहर से क्वेश्चन बना रहे होंगे? क्या वे? सो विल दे हैव बीन मेकिंग क्वेश्चंस सिंस आफ्टरनून. क्या तुम 4 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे होंगे? क्या तुम? सो विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months. क्या मैं 2 साल से पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा होगा? सो शैल आई हैव बीन डेवलपिंग पर्सनैलिटी फॉर 2 ईयर्स. क्या हम सुबह से सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होंगे? क्या हम? सो शैल वी हैव बीन ट्रांसलेटिंग सेंटेंस सिंस मॉर्निंग. दोस्तों, अगर हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाएं तो ट्रांसलेशन कैसा होगा? अगर देखिए, मैं बोल रहा हूं, क्या विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या से क्वेश्चन बनेगा. क्या विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे थे मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चन बनेगा. क्या विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चन बनेगा. बनाएंगे कैसे? क्या राम सुबह से इंग्लिश सीख रहा है? हैज राम बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग. क्या राम सुबह से इंग्लिश सीख रहा था? हैड राम बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग. क्या राम सुबह से इंग्लिश सीख रहा होगा? सो विल राम हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग. क्या तुम 2 दिनों से लेटर लिख रहे हो? सो हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज. क्या तुम 2 दिनों से लेटर लिख रहे थे? सो हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज. क्या तुम 2 दिनों से लेटर लिख रहे होंगे? सो विल यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज. क्या तुम 15 मिनट से गाना गा रहे हो? सो हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 15 मिनट्स. क्या तुम 15 मिनट से गाना गा रहे थे? सो हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 15 मिनट्स. क्या तुम सुबह से क्या तुम 15 मिनट से गाना गा रहे होंगे? सो विल यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 15 मिनट्स. क्या मैं 10 मिनट से डांस कर रहा हूं? हैव आई बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स. क्या मैं 10 मिनट से डांस कर रहा था? हैड आई बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स. क्या मैं 10 मिनट से डांस कर रहा होगा? शैल आई हैव बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स. क्या राधा सुबह से लेटर लिख रही है? हैज राधा बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. क्या राधा सुबह से लेटर लिख रही थी? Had Radha been writing a letter since morning? और क्या राधा सुबह से लेटर लिख रही होगी? So will Radha have been writing a letter since morning? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या से क्वेश्चंस, मींस इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाएं या कैसे पूछें. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में क्या से क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. दोस्तों, इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा. आने वाले वीडियोज में उन प्रॉब्लम्स को कवर किया जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड कीप वॉचिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज. Thank you so much.